वेलकम टू आर चैनल टेक्निकल मानस। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग थायरिस्टर कैसे चेक करना है वो हम देखेंगे। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक थायरिस्टर है, ठीक है। और ये एक डिस टाइप थायरिस्टर है। यहाँ पे इसको आप ज़्यादातर देखेंगे कोई फार्नेस पैनल या ESP का जो TRCC पैनल होता है ना, वहाँ पर आप देखेंगे। और जहाँ पर मैगनेट AC से DC करना है, थ्री फेज कन्वर्टर, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैग्नेट बनाने के लिए जो DC का जरूरत होता है वो सब पैनल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो केबल है, ठीक है। ऊपर वाला जो है ये है एनोड है, डिस्क का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एनोड है और नीचे वाला जो है वो कैथोड है। यहाँ पे हम लोगों का केबल कनेक्टेड रहता है। कोई भी सर्किट में आपको देखने को मिलेगा जो हमारा थायरिस्टर का जो सिंबल है, एनोड है और कैथोड है और बीच में क्या है, गेट है। इसका भी ये जो व्हाइट कलर केबल है ये बीच वाला है। देखिए, एनोड और कैथोड के बीच में ये व्हाइट वाला केबल है, ये हमारा गेट के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट पल्स देंगे। गेट पल्स देने से हमारा क्या होगा, वोल्टेज कम और ज़्यादा कर सकते हैं गेट पल्स के हिसाब से। तो ये एक हमारा एक अच्छा वाला एक थायरिस्टर है। इसका पहले क्या है, हम लोग को चेक कर लेंगे इसको कैसे चेक करना है। अगर मान लीजिए ये आपका फील्ड में डैमेज हो गया तो इसको ये सही है कि गलत है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये हमारा सही है, ठीक है, ख़राब वाला नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक। पहले मैं क्या बोला, ये एनोड है, ये कैथोड है और बीच वाला जो व्हाइट कलर का पोर्शन है डिस्क का, ये है आपका गेट। और ये जो केबल है ये कैथोड के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। इसको सर्किट की जरूरत लगेगा, इसीलिए हमारा एक गेट का कैथोड का केबल का जरूरत है। यहाँ पे हम लोगों का जो यूसेज है वो क्या है, हम लोग गेट और कैथोड के बीच में वोल्टेज अप्लाई करके इसको ट्रिगरिंग करेंगे, इसीलिए दोनों केबल हमारा बाहर निकाल के रखा है। चलिए अभी देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो कैथोड और गेट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए, मैं मल्टीमीटर का जो प्रोब कनेक्ट कर लिया और एक प्रोब कनेक्ट कर लिया हमारा व्हाइट वाला केबल में, दोनों कनेक्ट कर लिया, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों का जो मल्टीमीटर में जो रीडिंग दिखा रहे हैं वो आप दे रहे हैं 15.05 ओम 06 ओम। ये है हमारा एक गेट टू कैथोड का रेजिस्टेंस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, गेट और कैथोड के बीच में वोल्टेज है 15 ओम। इसके बाद एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, एनोड और गेट। ये देखिए, ये एनोड है, ये हमारा एनोड है और व्हाइट कलर जो केबल है यहाँ पे मैं और एक लीड लगा दिया। अभी हमारा जो रीडिंग शो कर 0.466 मेगा ओम, यहाँ पे आप देखेंगे ये मेगा ओम का है, ठीक है। इसको भी हम राइट डाउन कर लेंगे, 0.466 मेगा ओम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनोड और कैथोड दोनों का बीच में जो रेजिस्टेंस है इसको भी चेक कर लेंगे। कोई भी फॉल्टी SCR या थायरिस्टर को चेक करने के लिए पहला प्रोसेस हम लोग रेजिस्टेंस चेक करना है। तो यहाँ लगाया, अभी हमारा कितना शो कर रहा है, 0.495, पहले जैसे दिखे 0.83 मेगा ओम दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं 0.48 मेगा ओम लिख लेता हूँ। ये है रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस। तो शुरू में आपको क्या है, आपके पास अगर एक अवेलेबल रहेगा एक थायरिस्टर जो अच्छा वाला, पहले उसका चेक कर लेना है, उसके साथ जो खराब वाला है उसका कंपेयर कर लेना है। अगर नहीं तो आप देखेंगे थायरिस्टर का यहाँ पे एक नंबर लिखा है, ये जैसा आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा एक टेक्सम कंपनी का है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा है। इसको सर्च करके आप इसका डेटा शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये हम लोग थायरिस्टर को मल्टीमीटर के द्वारा ट्रिगर करेंगे। ये ट्रिगर कैसे करना है, हम लोग क्या बोले, हम लोग गेट पल्स देके हम लोग इसको ट्रिगर करेंगे। तो क्या, पहले हम लोग मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करेंगे, डायोड मोड,
डायोड मोड। तो शुरू में आप लोग जानते हैं कोई भी थायरिस्टर जब तक हम लोग गेट पर सप्लाई नहीं करते तो वो क्या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब इसका एनोड और कैथोड के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये ऐसा ओपन सर्किट का काम करता है। तो अभी जब देखिए आप ओ एल ओपन लूप आ रहा है हमारा मल्टीमीटर में, अब मैं ये शुरू में मुझे ये ऊपर वाला मैं क्या बोला एनोड है, ये जो थायरिस्टर है ये एनोड है ऊपर साइड वाला, और डिस्क का नीचे वाला जो है वो कैथोड है। तो ये तो एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव हम देंगे तो इसको क्या बोलते हैं हमारा फॉरवर्ड बायस। तो अब इस कंडीशन में आप देखेंगे हमारा जो ओपन लूप दिखा रहे, तो मतलब ये हमारा एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। अगर सप्लाई हम लोग इसके एनोड में देंगे तो हम लोग कैथोड में सप्लाई नहीं मिलेगा, कोई अगर इलेक्ट्रिक हम लोग एनोड में सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो कैथोड में हम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब तक हम लोग ये व्हाइट वाला केबल में हम लोग गेट पल्स नहीं देंगे तो ये एनोड और कैथोड के बीच में एक शॉर्ट पाथ क्रिएट होगा जब गेट में जब पल्स होगा। गेट का मतलब आप नाम से पता चला कि यहाँ पर हमने गेट लगा दिया है, एनोड से कैथोड के बीच में हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक गेट हम लोग ओपन नहीं करेंगे तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो गेट को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, गेट में हम लोगों को सप्लाई देना पड़ेगा। इसे डेटा शीट में हम लोग देखेंगे कि इसका गेट वोल्टेज कितना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वी जी टी जो है 0.95 वोल्ट है। तो इतना वोल्टेज इसका मिनिमम चाहिए तब ये क्या होगा गेट पल्स जाएगा तो गेट ओपन होगा, एनोड टू कैथोड हमारा सप्लाई जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर हम जानते हैं कि ये 9 वोल्ट का बैटरी रहता है इसीलिए तो इसको 9 वोल्ट डीसी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये अगर शॉर्ट सर्किट होता तो यहाँ पे क्या होता हमारा, जैसे हम लोग कॉन्टिन्यूटी करते हैं हमारा बीप साउंड होता है, और यहाँ पे हम अभी देखिए एनोड में पॉजिटिव और गेट में सॉरी कैथोड में नेगेटिव दिया, अभी देखिए ओपन लूप दिखा रहा है। तो क्या होगा, तो अभी हम लोगों को गेट पल्स देना है, मतलब गेट में पॉजिटिव देना है। जो रेड कलर का जो प्रोब है मल्टीमीटर का वहां से हम अगर गेट को शॉर्ट करेंगे आपको देखने को मिलेगा, देखिए नीचे में हम ब्लैक कलर का दिया ऊपर में रेड कलर का दिया। अभी क्या करेंगे, अभी इसके साथ ये जो व्हाइट कलर का केबल है, व्हाइट कलर का जो केबल है ये है गेट का केबल है, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे। जैसे हम इसको साथ शॉर्ट करेंगे ना ये हमारा आपको एक कंटिन्यूटी पाथ आएगा, यानी आपका डीप साउंड मिलेगा। देखिए मैं जैसे टच किया, देखिए एक ये शॉर्ट हो गया। अभी हम इस कंडीशन में अगर हम एनोड में सप्लाई देंगे तो कैथोड में हमको सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी साइड से अगर कोई बैटरी लेंगे और बैटरी लेके अगर गेट और कैथोड के बीच में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये हमारा ट्रिगर्ड हो जाएगा, मतलब एनोड से कैथोड के शॉर्ट सर्किट पाथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो इज नहीं, तो यही है प्रोसीड्यूर हमारा, कोई फॉल्टी थायरिस्टर को चेक करने का प्रोसीड्यूर यही है। तो हम ये गेट ट्रिगर्ड होना चाहिए और यहाँ पे बीप साउंड आना चाहिए। ठीक है, वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।